लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता भंवर एस चारण। पूरे को ही कोरोना मानेंगे तो शायद ये न्याय नहीं होगा। सर, आज आप यहाँ पीपलता विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज कोविड पीड़ित परिवारों से मिलने के अलावा आप प्रबुद्धजनों के साथ बैठक भी करने वाले हैं, तो उन बैठकों में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कोशिश होगी कि लोगों को मदद के लिए प्रेरित किया जाए, खासकर उन परिवारों की मदद जिन्होंने अपनों को खोया है कोरोना काल में? मैं जितने परिवारों में गया हूँ, कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कई परिवारों में जो परिवार का मुखिया था, जो पूरा घर चलाता था, सारी आय का साधन उस पर निर्भर थे, उनके परिवार में अब कोई नहीं बचा जो उनके घर चलाने के लिए एक आय का साधन करने वाला कोई मुख्य सोच है, क्योंकि कई परिवार के तो जो छोटे छोटे बच्चे रह गए। ऐसे में मैंने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कहा है कि अपने अपने गांव के अंदर शहर में ऐसे परिवारों को चिन्हित करें, फिर उन परिवारों को सामाजिक रूप से सरकार की तरफ से जन सहयोग से कैसे हम आर्थिक रूप से संबल दे सकते हैं, कैसे उनके जीवन यापन के लिए एक लंबी कार्य योजना बना सकते हैं। मैंने देखा कई परिवार में एक बच्चा है 18-20 साल का, कोशिश करेंगे उस बच्चे को कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र में कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए ताकि वह अपने परिवार का बोझ बने। लेकिन कई परिवार में ऐसे बच्चे छोटे हैं और घरेलू महिला है, काम काज कभी किया नहीं, उन महिलाओं के बारे में विचार करना पड़ेगा। ये ऐसी महामारी है जिस पर हमें बहुत संवेदना से काम करना होगा और इस समय उनको एक आर्थिक संबल देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सरकार भी संवेदना के साथ काम कर रही है, समाज भी काम करेगा, हम सब मिलकर करेंगे तो उनके उस दुख में भागीदार बन पाएंगे। हर कोई सर ये देख रहा है कि ओम बिरला पिछले एक हफ्ते से दूरदराज के इलाकों में जा रहे हैं, गांव कस्बों में जा रहे हैं, आपके इस तूफानी दौरे के क्या नतीजे देखने को मिलेंगे बिरला साहब? मैं जिन परिवारों से मिल पा रहा हूँ, क्योंकि सारे परिवारों से तो मैं नहीं मिल पा रहा, लेकिन जिन परिवारों से मिल रहा हूँ, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, उन परिवारों की जब हम सबकी ये समीक्षा करेंगे कि इस परिवार की तो आर्थिक स्थिति ऐसी कि घर चलाने के कोई संसाधन ही नहीं है, समाज सक्षम है और समाज उसका सहयोग करेगा, सरकार से भी अपेक्षा करेंगे उनका सहयोग करें, लेकिन कम से कम उसको सामान्य जीवन यापन कर सके उसकी व्यवस्था करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट इंडिया की खबर पर यहाँ ओम बिरला ने खुद ने मुहर लगाई है। ऐसे परिवार जिनको की ज़्यादा आवश्यकता है, जो नीडी परिवार हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है, उनकी मदद की मुहिम इस दौरे के बाद चलाई जाएगी। और एक बड़ा बयान उन्होंने ये भी दिया है कि उन परिवारों में जो कमाने योग्य लोग हैं उनको रोजगार से जोड़ने के भी गंभीर प्रयास किए जाएंगे। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, सुल्तानपुर, कोटा।